हाय फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ प्रीति। आज मैं आप लोग के साथ मोदक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बिना गैस जलाए आप आसानी से अपने घर में बना सकते हैं। फ्रेंड चलिए तो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये मैंने कैसे बनाए थे। ये मैंने 3 प्रकार के फ्लेवर के मोदक बनाए हैं। चलिए तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने ऑरेंज फ्लेवर बिस्किट लिया था, चॉकलेट फ्लेवर, और मैंने ड्राई फ्रूट लिए हैं, और ये नारियल को मैंने किस के रख लिया था फ्रेंड, और थोड़े से दूध और थोड़ा शक्कर लिया था डेकोरेट करने के लिए फ्रेंड। और मैंने जो ड्राई फ्रूट लिए थे हल्के से भून के अच्छे से उसको मिक्सर में पीस लिया था फ्रेंड। और ये देखिए हमने सारे बिस्कुट को अच्छे से मिक्सर में पीस के दोनों फ्लेवर के बिस्कुट को रख लिया है फ्रेंड। चलिए तो अब मैं बताने जा रही हूँ आपको मैंने ये कैसे बनाया है। ये देखिए मैंने जो चॉकलेट फ्लेवर बिस्किट था उसको पीस लिया था। पीसने के बाद ये देखिए हल्का हल्का दूध डाल के आप अच्छे से उसको मिक्स कर लें, और मिक्स हो जाने के बाद फ्रेंड अपने हाथों की मदद से आप बहुत ही आसान तरीके से आप बना सकते हैं। और इसमें मैंने थोड़े से नारियल को डाल दिया था फ्रेंड, और अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे। ये ऑलरेडी मीठा रहता है, इसमें हमको शक्कर का यूज़ ना ही करें तो भी चलेगा फ्रेंड। और ये देखिए हम इसको अपने हाथों की मदद से, हमने किसी के सांचे का उपयोग ना करके फ्रेंड अपने हाथों की सहायता से ही सारे मोदक तैयार किए थे फ्रेंड। ये देखिए हमने हाथों से बहुत ही आसान तरीके से मोदक का शेप दे दिया, और जो डिज़ाइन बनानी रहती है हम कांटे के चम्मच की मदद से अच्छे से उसको शेप दे सकते हैं फ्रेंड। ये देखिए, और ऊपर से मैंने शक्कर को डेकोरेट कर दिया, बहुत अच्छा लगता है देखने में भी। और सारे मोदक में इसी प्रकार बना ली, और बनाने के बाद सारे ये मोदक पर मैंने शक्कर को हल्का सा लगा दिया फ्रेंड। और फिर इसी प्रकार हम फ्रेंड अपने ऑरेंज फ्लेवर के मोदक भी तैयार करेंगे। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे थे फ्रेंड। और चलिए अब हम ऑरेंज फ्लेवर के मोदक भी बना लेते हैं फ्रेंड। इसको भी हमने मिक्सर में पीस के रख लिया था बिस्किट को, और ये देखिए फ्रेंड अच्छे से जिस प्रकार से हमने चॉकलेट फ्लेवर बनाए थे वैसे ही हम इसको भी तैयार कर लेंगे। हल्का सा दूध डालेंगे, दूध डाल के अच्छे से इसको इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे फ्रेंड। ये देखिए बहुत ही आसानी से हम और बिना गैस जलाए हम आसानी से बना सकते हैं फ्रेंड। तो ये देखिए फ्रेंड हमने अच्छे से मिक्स कर लिया था, इसको भी हम अपने हाथ की इस सहायता से ही मोदक का शेप देके तैयार करेंगे फ्रेंड। और बहुत ही अच्छा लगता है इसका टेस्ट भी, और आप घर में आसानी से बना सकते हैं। ये देखिए हमने इसको भी मोदक की शेप दे दिया, और फ्रेंड बिना किसी सांचे की सहायता से हम इसी प्रकार सारे मोदक तैयार कर लेंगे फ्रेंड। और फ्रेंड बहुत ही आसानी से बन जाता है। कुछ मीठा बनाने का मन किया तो मैंने कहा चलो गणेश भगवान के लिए मोदक ही तैयार कर लेते हैं, और बहुत ही आसानी से, बहुत ही, और बिना गैस जलाए आप आसानी से बना सकते हैं फ्रेंड। और ये देखिए इसी प्रकार मैंने सारे मोदक बना लिए थे। और ये देखिए फ्रेंड हमारे मोदक बनके तैयार हो गए थे दो फ्लेवर के, और मैंने उसको फ्रिज में रख दिया जिससे कि हमारे शक्कर अच्छे से चिपक जाए। अब हम चल रहे हैं ड्राई फ्रूट वाले मोदक बनाने फ्रेंड। ड्राई फ्रूट को हल्का सा भून लेने से इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है, और इसी में मैंने 4-5 इलायची भी पीस ली थी फ्रेंड, जिससे कि मोदक ड्राई फ्रूट वाले मोदक बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और इसमें मैं गुड़ का प्रयोग करूँगी, शक्कर ना यूज करके फ्रेंड। मैं अधिकांश अवॉइड करती हूँ शक्कर को, मैं गुड़ का ही ज़्यादा उपयोग करती हूँ फ्रेंड। और इसमें मैंने डाल दिए हैं नारियल के बुरादे, और हम सारे इसको मिक्स कर लेंगे फ्रेंड। और ये बहुत ही टेस्टी बना था ड्राई फ्रूट वाले, वो और हेल्दी भी रहते हैं। ये देखिए फ्रेंड हमने सारे ड्राई फ्रूट को मिक्स कर लिया, और अब हम इसमें हल्का हल्का दूध डाल के उसको भी मिक्स कर लेंगे। और फ्रेंड बहुत ही जल्दी बनने वाला मोदक है ये, और देखिए अच्छे से हम इसको अपने हाथों की सहायता से अच्छे से मिक्स कर लेंगे फ्रेंड। और अपने हाथों की सहायता से ही इसको भी हम मोदक का शेप देंगे फ्रेंड। और जब मन करे आप कुछ मीठा खाने का मन करे
तो आप इसके लड्डू भी बना सकते हैं। मैंने इसको मोदक के शेप दे दिया था, आप इसको लड्डू के शेप में भी बना सकते हैं फ्रेंड। वैसे तो बच्चे ड्राई फ्रूट, अधिकांश मेरे बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं फ्रेंड, मैं इसी प्रकार कुछ ना कुछ बना के उन लोग को देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, मैंने इसको भी मोदक का शेप दे दिया और इसके ऊपर भी हम नारियल से डेकोरेट करेंगे। बहुत ही देखने में इसका लुक भी कितना अच्छा लग रहा है और खाने में भी बहुत ही मीठा फ्रेंड। एक बार आप ज़रूर बनाइएगा अपने घर में भी। और इसी प्रकार हम सारे मोदक बना के तैयार कर लेंगे फ्रेंड और ऊपर से इस पर नारियल का डेकोरेशन कर लेंगे। और फ्रेंड अगर आपके हो मेरी ये वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा फ्रेंड, जिससे कि मेरी कोई भी न्यू वीडियो आए तो आप तक ज़रूर पहले पहुँचे। और फ्रेंड टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो पर।